Hey, what's up guys? We're back with a new video. तो गाइस जैसे हमको पता चला कि यार नथिंग फोन 2 11 जुलाई को यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, उसके बाद यहाँ पे काल पे काफी छोटे छोटे यहाँ पे लीक्स देना शुरू कर दिए हैं। रिसेंट वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया कि दैट यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी केबल यहाँ पे आने वाला है नथिंग फोन 2 के साथ, जो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रहने वाला है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे देख सकते हो। उसके बाद ये वाले वीडियो में आप लोग दिखाने वाला हूँ नथिंग ओएस 2.0 का होम स्क्रीन स्क्रीनशॉट, जो ऐसा मुझे लग रहा है कि लिया गया है नथिंग फोन 2 पर। तो चलते हैं वो स्क्रीनशॉट पर। तो उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे पोस्ट किया ट्विटर पर। तो गाइज यहाँ पे देखिए कालपे ने लिखा हुआ है माय होम स्क्रीन शेयर योर्स। तो गाइज इस ट्वीट को यहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया है 1 आवर अगो। ये रहा उनका होम स्क्रीन। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो गाइज यहाँ पे नोटिस करना सबसे पहली चीज, यहाँ पे देखिए टाइम यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक हो रहा है, यानी कि हमारे सेल्फी कैम से। तो गाइज ये डेफिनेटली यहाँ पे नथिंग फोन 1 पे नहीं लिया गया है, बोल सकते हो यहाँ पे नथिंग फोन 2। और बाद में यूआई के बारे में बात की जाए तो गाइज ये है नथिंग ओएस 2.0 का होम स्क्रीन। यार यहाँ पे काफी चीजें भर दी है यार। उसके बाद मैंने एक और यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखने को मुझे मिला है, जो यहाँ पे पोस्ट किया है मिलाडन एम हॉयस ने, जो है सॉफ्टवेयर क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ नथिंग कंपनी, जो यहाँ पे नथिंग ओएस 2.0 पे काम कर रहे हैं। वाला दूसरा स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे इधर ओपन करके रखा है। तो गाइस मैं पहले आप लोगों को ट्वीट दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने जैसे आप लोगों को चीजें बताई कि नथिंग में काम करते हैं मिलाडन, तो गाइस उन्होंने भी यहाँ पे 57 मिनट्स को इसे पोस्ट किया है, जैसे यहाँ पे कालपे ने पोस्ट किया उसके बाद यहाँ पे मिलाडन ने भी पोस्ट किया है। तो गाइस ये रहा वो स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे जब मैं ये स्क्रीनशॉट इस वाले फोन में ओपन कर रहा हूँ ना, तो बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नथिंग फोन 1 में ये बिल्कुल भी साइज में बैठ नहीं रहा है, बैठ रहा है बट यहाँ पे देखिए सेल्फी कैम के पीछे यहाँ पे देखिए टाइम बिल्कुल यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। और यहाँ पे देखिए इस वाले अगर यहाँ पे देखोगे तो गाइस यहाँ पे 1+7 में भी सेल्फी कैमरा जो हमारा है फ्रंट कैमरा यहाँ पे पूरी तरह टाइमर को गैप कर रहा है। तो बोल सकते हैं यार हमारा जो फ्रंट कैमरा रहने वाला शायद से बीच में हो सकता है, ये चीज हमें बाद में ही पता चलेगी, अब देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है। तो गाइस आप बात करते हैं नथिंग ओएस 2.0 के होम स्क्रीन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक स्क्वायर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है थर्सडे 2020 जून मोस्टली सनी 2022 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वेदर इन्फॉर्मेशन विद डेट। ओके, और लेफ्ट साइड राइट साइड में देखिए यहाँ पे टाइम देखने को मिल रहा है BER शायद बर्लिन होगा, और इसके बाद नीचे यहाँ पे एक और टाइमर देखने को मिल रहा है LANY, यहाँ पे न्यूयॉर्क का एंड लॉस एंजलिस का टाइम देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा सर्कल देखने को मिल रहा है डू नॉट डिस्टर्ब, साइलेंट मोड या डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे फोन कर सकते हो, तो कुछ उस तरह का यहाँ पे बटन देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एयरप्लेन मोड करने के लिए यहाँ पे बटन देखने को मिल रहा है, उसके बाद अलार्म क्लॉक देखने को मिल रहा है। ये सभी विजेट्स हैं या पता नहीं चल रहा है अब एक्चुअली में क्या होगा, जब यहाँ पे नथिंग कंपनी खुद ही बताएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्लिफ लाइट का ऑन करने का बटन देखने मिल रहा है। इसके पहले यहाँ पे नथिंग फोन 1 में अगर आपको ग्लिफ लाइट चालू करनी है मैन्युअली सिर्फ ग्लिफ लाइट को, तो गाइस आपको यहाँ पे सिंपल कैमरा में जाना पड़ता था, उसके बाद यहाँ पे चालू कर पाते थे। अब यहाँ पे शायद से बटन देने वाले हैं नथिंग कंपनी। उसके बाद एक कार स्क्रीन देखने मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा, एक वेदर का आइकॉन है शायद से, मे बी क्लाउडी या सनी ऐसा कुछ है। उसके बाद एक और यहाँ पे क्लॉक देखने को मिल रहा है, उसके बाद फोकस मोड देखने को मिल रहा है। इसके पहले मैंने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में बात की थी लाइक कुछ मोड लाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलाडन एम ओएस जो यहाँ पे उनका प्रोडक्टिविटी ऐप पे ज्यादा फोकस रहता है एज कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए फोकस मोड देखने को मिल रहा है, जब इसे ऑन करोगे तो यार फोन की सभी एप्लीकेशन यहाँ पे बंद हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैलेंडर देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे वॉलेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायलर देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे गूगल फोटोज, उसके बाद ट्विटर एंड टेलीग्राम, दो ही एप्लीकेशन है जो यहाँ पे लाइक अदर ब्रांड के लाइक ट्विटर एंड टेलीग्राम, बाकी सभी यहाँ पे गूगल के हैं, बाकी यहाँ पे और नथिंग कंपनी के हैं। यहाँ पे ऐसा होम स्क्रीन सेटअप देखने को मिल रहा है मिलाडन एम ओएस ने, जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। और ये वाला स्क्रीनशॉट है नथिंग ओएस 2.0 का। अब यहाँ पे ये वाला स्क्रीनशॉट में देखते हैं, जहाँ पे कालपे ने खुद यहाँ पे पोस्ट किया। तो गाइस यहाँ पे देखिए फोटो गैलरी का यहाँ पे विजेट देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्लॉक स्टाइल देखने को मिल रहा है, एंड उसके बाद उन्होंने भी यहाँ पे सेम टू सेम ये वाला LA एंड न्यूयॉर्क वाला यहाँ पे उन्होंने सभी टाइमर सेट कर दिए हैं, जिससे आप लोग यहाँ पे लंदन का टाइम देखने मिल रहा है, उसके बाद DEL यानी कि दिल्ली का शायद से, उसके बाद यहाँ पे HK यानी कि हांगकांग, उसके बाद में STO मुझे नहीं पता है, इन सभी का टाइमर देखने मिल रहा है। उसके बाद एक और विजेट देखने मिल रहा है, जहाँ पे यहाँ पे देखिए वेदर वाला है, यहाँ पे वेदर वाला अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे डेट भी है, उसके बाद यहाँ पे वेदर भी है, वेदर क्या है मोस्टली सनी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टॉक होम, यहाँ पे लोकेशन का नाम है शायद से स्टॉक होम शायद से, मुझे कंफर्म नहीं पता, बट यहाँ पे देखिए 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है, सेम ही वेदर है, मतलब यानी कालपे एंड मिलाडन MOS यहाँ पे साथ में ही है। और ये वाला कौन सा एप्लीकेशन मुझे नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ट्विटर देखने को मिल रहा है, गूगल कैलेंडर, उसके बाद व्हाट्सएप, एंड ये वाला कौन सा ऐप मुझे नहीं पता, ये वाला भी नहीं पता, स्पॉटिफाई है, प्ले स्टोर है, और उसके बाद यहाँ पे गूगल डायलर है, मैसेज, क्रोम, कैमरा, डिफॉल्ट हमारे फोन में भी ये चीज़ सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों स्क्रीनशॉट को अगर आप लोग यहाँ पे कंपेयर करते हो ना, तो दोनों यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे फील देने को देखने को मिल रहा है, बस यहाँ पे रेड कलर देखने को मिल रहा है डू नॉट डिस्टर्ब के साथ।
अब मैं आप लोगों को ये वाले जो ऊपर वाला लेआउट है ना, मैं इससे कंपेयर कर दिखाता हूँ जो यहाँ पे ट्विटर पे यहाँ पे इसके पहले नथिंग कंपनी ने टीज किया था। तो गाइज ये रहा वो जो यहाँ पे नथिंग वॉस 2.0 का यहाँ पे टीजर जो छोटा सा उन्होंने डाला हुआ था कुछ 14 सेकंड्स का और लिख दिया था कमिंग सून। और अब यहाँ पे इसे हम लोग अगर कंपेयर करें तो गाइज यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे रेड सर्कल देखने को मिल रहा है यहाँ पे डो नॉट डिस्टर्ब है। अब यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हो शायद से। अब यहाँ पे हमको जब नथिंग वॉस 2.0 आएगा तभी आप हम लोगों को ये चीज़ पता चलेगी। और रही बात यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि यहाँ पे देखिए ये टाइमर वाला ये पोर्शन हाइड हो रहा है हमारे फ्रंट कैमरा के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सेंटर पंच होल होके आ सकता है नथिंग फोन 2। इस रिगार्डिंग यहाँ पे ना योगेश बरार यहाँ पे एक लीकस्टर है, उन्होंने भी यहाँ पे थोड़ा पोस्ट किया, मैं आप लोगों को वो ट्वीट दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए योगेश बरार ने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये पोस्ट हुआ है ना काफी लोग यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही हैं। तो गाइज उन्होंने लिखा हुआ है नथिंग फोन 2 लीक रेंडर्स नीड्स टू बी अपडेटेड विद अ सेंटर पंच होल एंड गैलेक्सी S22 लाइक नैरो बेजल्स ऑल्सो प्राइसिंग विल बी अंडर 700 यूरोज एंड नॉट दैट अब्सर्ड लीक फिगर। तो गाइज यहाँ पे जो यहाँ पे एक प्राइसिंग भी निकल के आई है इस रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को वो प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ। काफी अजीब सी प्राइसिंग थी, यूरोपियन बोल सकते प्राइसिंग है वो। तो चलते हैं वो वाले पोस्ट पे, स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लीक द नथिंग फोन 2 इज एक्सपेक्टेड टू अवेलेबल इन बोथ 256GB 512GB स्टोरेज ऑप्शंस एंड दिस लेटेस्ट लीक अलाइंस विद दोज स्पेसिफिकेशन। इन फ्रांस द 256GB बेस मॉडल इज प्रोजेक्टेड टू बी प्राइस एट 729 यूरोज विच रफली कन्वर्ट्स टू 796 USD डॉलर्स एंड उसके बाद यहाँ पे अगर इसे कन्वर्ट करते हो USD को या यूरोस को तो 65,670 ऐसा कुछ यहाँ पे प्राइसिंग देखने को मिल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा है। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 यहाँ पे ना बोल सकते हो 40,000 के आसपास रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1+11 आ रहे हैं ना तो वो ऐसी प्राइसिंग के साथ आता है, तो इतना ज़्यादा प्राइसिंग तो देखने को नहीं मिलेगा जैसे यहाँ पे योगेश बरार बोल रहे हैं। तो ये वाले जो प्राइसिंग है ना यहाँ पे डील लैब मैगजीन ने डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिंक पे अगर ओपन करता हूँ तो गाइस ये उनके लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ डाली हुई थी, ठीक है, 729 यूरोज। उसके बाद यहाँ पे 512 का यहाँ पे 849 यूरोज। देखते हैं एक्चुअल में प्राइसिंग क्या निकल के आती है नथिंग फोन 2 की। और इसके पहले जो यहाँ पे रेंडर्स लीक हुए थे जो इसमें आप लोगों को देखें यहाँ पे ग्लिफ लाइट एक्चुअल में जो है वो यहाँ पे कंफर्म तो हो चुकी है, जो यहाँ पे कटआउट देखने मिल रहे हैं वो मैच कर रहा है यहाँ पे नथिंग ने जो यहाँ पे ऑफिशियली पोस्ट किया हुआ है। बट यहाँ पे फोन पूरी तरह से नहीं दिखाया, बिल्कुल ब्लैक कलर है और ग्लिफ लाइट चमक रही है, तो ये ग्लिफ लाइट पैटर्न तो मैच कर रहा है। बट यहाँ पे फ्रंट डिस्प्ले में यहाँ पे देखिए ये सेंट जो यहाँ पे सेल्फी कैम का कटआउट है बोल सकते हो फ्रंट कैमरा का, तो ये बिल्कुल रॉन्ग पोजीशन पे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे सेंटर पंच होल रहने वाला है, फोन यहाँ पे कर्व डिजाइन के साथ आएगा नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कर्व डिजाइन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जब मैं अपने 1+11 में यहाँ पे ये वाला स्क्रीनशॉट ओपन किया ना परफेक्ट साइज में यहाँ पे बैठ रहा है और काफी अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नथिंग कंपनी खुद ही रिवील करेगी जुलाई 11 को, तो मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं। तो गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग कैसे लगा ये होम स्क्रीन नथिंग वॉस 2.0 का नथिंग फोन 2 पर। अब यहाँ पे नथिंग फोन 1 की बात की जाए तो अगस्त के एंड तक आ सकता है नथिंग वॉस 2.0 अपडेट हमारे नथिंग फोन 1 में। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करना अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहेंगे रिलेटेड टू नथिंग फोन 1 या नथिंग फोन 2। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय। This the new wave, turn it up, I'm in the backseat chilling with your girl, what's up? She wanna talk all day, but I'm not in the mood. I'm trying to dance all night, I got something to do. I make hits for the people at home in the rooms, looking for a reason to get out of it soon.